बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। एक बड़ी तैयारी के रूप में इस गठन को देखा जा सकता है। तीसरी लहर की बात लगातार साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के द्वारा की जा रही है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बड़ी पहल दिखाते हुए बच्चों को बचाने के लिए सरकार एक टास्क फोर्स बनाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये एक बड़ी घोषणा की है तीसरी लहर से निपटने के लिए। दिल्ली में एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स जो कि बच्चों को बचाने के लिए काम करेगी खासतौर पर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर अगर आएगी तो वो छोटे बच्चों के लिए घातक हो सकती है। और इसी को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है बच्चों को बचाने के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री की ये एक बड़ी पहल, क्योंकि तीसरी लहर की बात लगातार एक्सपर्ट्स के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा और साइंटिस्ट के द्वारा की जा रही है। लेकिन लगातार इस पूरे मुद्दे पर जिस तरीके से यह कहा गया था कि जो सिंगापुर में जो वेरिएंट है उससे बच्चों को खतरा हो सकता है, उसको देखते हुए यह विवाद भारत सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बढ़ा। अब इस बीच अरविंद केजरीवाल ने बच्चों को बचाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने का ऐलान किया है। अब से कुछ देर पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मीडिया के सामने आए थे। उन्होंने भी केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोला था और उनका यही आरोप था कि केंद्र सरकार को अपनी इमेज की चिंता है, सिंगापुर की चिंता है, बच्चों की नहीं। अब इसी बीच ये जो बड़ा ऐलान किया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, इसको एक अच्छी पहल कहा जा सकता है। लेकिन क्या ये बीजेपी अब ये आरोप नहीं लगाएगी कि अरविंद केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं? अस्पताल में तैयारियों को लेकर इस टीम का गठन किया गया है, क्योंकि ये बात तो सच है कि लगातार एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर भी भारत में आ सकती है। तो उसी खतरे को देखते हुए ये टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अंजलि सिंह मेरी सहयोगी जुड़ रही है ज्यादा जानकारी लिए हुए। अंजलि, आप जानती हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किस तरह से विवाद चल रहा है बच्चों की सेहत को लेकर, और इस बीच ये टास्क फोर्स के गठन का ऐलान अरविंद केजरीवाल के द्वारा। जी बिल्कुल, देखिए ये जो तीसरी लहर है और जिस तरह से दूसरी लहर में जो भयावह तस्वीरें देखी हैं न सिर्फ देश की राजधानी ने बल्कि पूरे देश ने, ऐसे में ये टास्क फोर्स को लेकर, इसके गठन को लेकर आज ये फैसला लिया गया। एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी अरविंद केजरीवाल ने जिसमें तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे। और उसके बाद ये फैसला किया गया है कि बच्चों को बचाने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जिसका क्या काम होगा, इसमें कौन कौन से लोग होंगे, ये तमाम जानकारी भी कुछ समय में मिल जाएगी। और इस टास्क फोर्स के गठन के साथ साथ ये भी ध्यान दिया जाएगा कि बेड और ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, जो कि अभी ये दूसरी लहर के दौरान देखने को मिली और दिल्ली भी इससे काफी प्रभावित हुई थी। तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि इस पूरी जानकारी के लिए। ABP News, आपको रखे आगे।